दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग के बारे में क्योंकि इधर काफ़ी सारा यूज जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है कैसे आप वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं सी वीज़ा डी वीज़ा कैसे हो सकता है कैसे अप्लाई करना है जॉब पोर्टल कैसे होंगे और कैसे आपको रिज्यूम बनाना है मेल करना है कंपनी के साथ डील करना है सैलरी कैसा होना चाहिए सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ तो दोस्तों मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो गाइड तो चलिए बर्ग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाला है लक्जमबर्ग वीजा के बारे में डिलीवरी जॉब शेप जॉब सुपरमार्केट बहुत सारा जॉब आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है फीस क्या चल रहा है वो भी आप लोगों के साथ बताने वाला हो लगजम बर्ग फी वर्क वीज़ा 95,000 फाइव थाउजेंड क्लास जॉब वैकेंसी अभी अवेलेबल है मैं पहले ही बता देता हूँ वीजा कौन सा कौन सा हो सकता है विदाउट एजेंसी आपको कैसे अप्लाई करना है और बस ऑफर लेटर चाहिए एम्प्लॉयर कैसे मिलेगी वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेनली इधर के लिए टाइप सी वीज़ा टाइप डी वीज़ा होता है स्किल्ड वर्क अनस्किल्ड लेवर के लिए इसके अलावा इधर का जो फीस है वो बहुत चीप है ओनली सेवन थाउजेंड रुपये में इंडियन रुपये में आप जा सकते हो तो इसके लिए क्या करना होगा क्या क्या जॉब अवेलेबल है मैं एक एक करके बता रहा हूँ सबसे पहले आप जानना पड़ेगा इधर का अवेलेबल जॉब्स क्या क्या जॉब अवेलेबल है आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो बहुत सारा जॉब वैकेंसी इधर अभी अवेलेबल है जैसे हेल्थ केयर हो गया हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारा सेक्टर आता है जैसे नर्सेस हो गया पैरामेडिक हो गया डॉक्टर्स हो गया उसके बाद फाइनेंस फाइनेंस में भी बहुत सारा जॉब अवेलेबल होता है रिटेल में भी आपका बहुत सारा गारमेंट हो गया किसी भी सेक्टर में रिटेल में आपका जॉब हो सकता है कंस्ट्रक्शन में भी काम हो सकते हैं ओनली एट पास लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन पे आप जॉब कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है जॉब होता है हॉस्पिटलिटी मेरे अंदर बहुत सारा पोस्ट आता है जैसे फनवाइज़र हो गया हाउस कीपिंग हो गया क्लियर हो गया शेप हो गया वेटर हो गया तो जितना पोस्ट है इसमें सबके लिए वैकेंसी अवेलेबल है तो आप चाहो तो अभी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लुक्जबर्ग के लिए क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग को हायर किया जा रहा है अभी हम बताने वाला है क्यों आप लुकजमबर्ग चूज करोगे क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है देखो सबसे पहले तो ये मोस्ट सेकेंड रिचेस्ट कंट्री है और सेकेंड जो बात है वह इधर का जो एनुअल इनकम होता है वो कम से कम आपको सेवेंटी सेवन थाउजेंड यूरो से ज्यादा होता है एनुअल इनकम और इधर का लोएस्ट अनएम्प्लॉयेंट रेट है मतलब यूरोप के अंदर इधर का सबसे कम है।, इधर का जो होता है वो कम से कम फोर्टी आवर पर वीक होता है और आपको कम से कम पाँच साल का वर्क वीजा मिल सकता है हम बात करने वाला है बेनिफिट्स के बारे में बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन लुक्जमबर्ग क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप लुक्मबर्ग पे काम करोगे आपको सिकलिप मिल सकता है लिप्स फॉर फैमिली पेंशन प्लान आपको मिल सके मिनिमम वेज मिल सकते हैं ओवर टाइम ड्यूज मिल सकते हैं इंश्योरेंस मिल सकता है एनुअल बोनस भी आपको मिल सकता है अभी हम बात करने वाले हैं इधर का वर्क परमिट के बारे में मतलब लगजमबर्ग वर्क परमिट कैसा होता है आप इसके बारे में बताऊंगा तो वर्क परमिट कैसे होता है इधर का जो वर्क परमिट है वो सबसे पहले है शॉर्ट स्टे मतलब सी टाइप अगर आपको इधर सी टाइप जो होता है इसमें बहुत शॉर्ट डे मतलब 90 डेज़ तक आप रह सकते हो उसके बाद अगर आपको डी टाइप में जाना है मतलब लॉन्ग स्टे तो इसमें आप कम से कम ज़्यादा रहने के लिए इधर लॉन्ग टाइप आपको मतलब डी टाइप आपको अप्लाई करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी टाइटेरिया क्या होगा लुकजेम्बर के वर्क वीजा के लिए एलिजिबिलिटी भी आपको जानना पड़ेगा क्योंकि इधर आपको लुकजेम्बर को जब अप्लाई करोगे वर्क वीज़ा के लिए तो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम आपको एक से दो साल काम करना ज़रूरी है उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए उसके साथ आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप अगर टेंथ पास हो तो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए उसके बाद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड अर्थात एंड नो बैन इन यूरोप आपका यूरोप कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री में बैन नहीं होना चाहिए और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका पीसीसी चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो इसके लिए आपको नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों अभी हम बात करने वाला है क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मतलब लुग्जेंबर वर्क वीजा के लिए क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सबसे पहले आपको चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उसके बाद आपको चाहिए एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट उसके बाद आपको चाहिए एक टेम्पररी परमिट टू स्टे उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉब रोल वन मोर और उसके बाद आपको चाहिए हैव एन इनकम वन एंड वन टाइम्स एवरेज एनुअल इनकम तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको जो मैंने फीस के बारे में बताया था टाइप डी वीज़ा के लिए आपको कम से कम 50 यूरो पे करना है जो 50 यूरो आपका हिसाब करके देखो आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हो इतना होता है आपका फिफ्टी यूरो का फीस तो ये आपको बहुत चीप प्राइस है इंडिया का तो ऐसे आपको जा सकते हो जिम्बर पे अगर आपको अप्लाई करने के लिए आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो आप लोग लिंक मिल जाएगा इधर से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कंपनी में वैकेंसी है तो आप वो कंपनी का नाम गूगल में सर्च करके उसके बाद उस कंपनी का जो करियर पोर्टल होता है ऑनलाइन पर जाके आप लोग अप्लाई करो डेली एक घंटा करके साइम दो कम से कम दस दिन के अंदर आपका कॉल आ जाएगा ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद जो प्रोसीडियर होता है वीज़ा के लिए आप अप्लाई करो तो आपका हंड्रेड परसेंट जॉब मिल जाएगा सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है सीबी क्योंकि सीबी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए आपको यूरोपास सीबी चाहिए अगर आपके पास यूरोपास सीबी नहीं है तो आप लिंक में दिया हुआ नंबर पर कॉल कर सकते हो या मेरे स्क्रीन में आप नंबर देख रहे हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो बहुत चीप प्राइस में आपको यूरोप पास सी बी हम प्रोवाइड करते हैं आप इसके बाद अप्लाई करके आप 100 परसेंट आप अच्छी जगह पे लुक्जबर्ग एक 100 परसेंट डेफिनेटली अच्छी कंट्री है आप जाके नौकरी कर सकते हो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड कॉमेंट जरूर करो